हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससुराल सिनी का। तो कैसे हैं आप सब? और आज है तारीख 24 अप्रैल और अभी बजे हैं सुबह के 10:30। तो आज मुझे नहाने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो अभी मैं नहा कर आ गई हूँ। यहाँ पर मैं कंघी बना रही हूँ और बिल्कुल सिंपल रहती हूँ घर में, तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा क्रीम लगाऊँगी और सिंदूर लगा कर बस बिंदी लगा लूँगी और कुछ भी नहीं। घर में रहना है तो एकदम सिंपल रहती हूँ। जब आप लोगों के लिए वीडियो या वीडियो शूट की कुछ स्पेशल, तो थोड़ा सा हल्का सा मेकअप कर लिया या फिर कहीं बाहर जाना हुआ तो हल्का सा मेकअप कर लिया, वरना घर में तो मैं सिंपल ही रहती हूँ। रोज रोज मेकअप करो तो स्किन भी खराब होती है, तो इसलिए सिंपल रहना ज्यादा पसंद करती हूँ मैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मम्मी सेक रही थी रोटियाँ, आज मम्मी बना रही थी रोटियाँ, तो ये मम्मी बना रही हैं रोटियाँ और हमारा खाना भी बन गया है। आज खाने में हमने बनाया है बरबटी और ये मेथी की भाजी बनाई है। लाल भाजी सब लोग बोल रहे थे क्या होती है, पर हमारे यहाँ आती है लाल भाजी बोलते हैं उसे, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर खाना का मैंने आपको वीडियो दिखा दिया है और ये मम्मी बना रही है रोटी, मम्मी रोटियाँ बेल रही हैं। ये हम लोग होममेड पनीर निकाल लिए हैं दूध को फाड़ के, और यहाँ पर आप देख सकते हैं खाने की प्लेट हम लोग की लग गई है। मेथी की भाजी, बरबटी की सब्जी, मिलमा वाली दाल, पांच प्रकार की दाल मिलाकर बनाते हैं, और ये रोटी, अचार और सैलेड। तो मैंने खाना खा लिया है और अब मैं गैस वगैरह साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आए हैं, तो बुलाने आए थे कि जल्दी से साफ कर लो, तो फिर लूडो खेलना है। तो यहाँ पर मैंने गैस वगैरह साफ कर लिया है और इसके बाद थोड़ा सा देख सकते हैं आप नीचे फैल गया है, तो थोड़ी सा झाड़ू लगा लेती हूँ और थोड़ा बर्तन भी रखे हैं, तो इसके बाद बर्तन भी जमाने हैं मुझे। मेरे पास कमेंट आया था एक नेहा झा करके हैं उनका, कि मेरा बर्थडे है, तो यहाँ पर मैं उनको विश करूँगी। कल उनका बर्थडे है 25 अप्रैल को, तो मैं उसको उनको विश करना चाहूँगी हैप्पी बर्थडे नेहा झा। आप लोग सुन सकते हैं पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है छह और कन्ना। तो यहाँ पर लूडो गेम चल रहा है और मेरा वेट किया जा रहा है जब तक इन लोग खेल रहे हैं। मैं जाऊंगी तो मैं भी खेलूंगी अभी जाकर। बज गए हैं शाम के 4 और व्यू बहुत अच्छा था, मौसम बहुत अच्छा था बाहर का, तो हम लोग ने सोचा कि पतंग उड़ाई जाए। तो यहाँ पर पापा और ये यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं। तो ये देखें यहाँ का व्यू कितना बढ़िया है, और ये पतंग उड़ा रहे हैं। दो पतंग थी तो एक्चुअली लग रहा था कि कहीं काट ना दे वो हम लोग की पतंग को, तो फिर हम लोग इस साइड आ जाते हैं बच के, हमारी पतंग बच कर आ जाती है। ये लोग बना रहे हैं रसम, साउथ इंडियन की फेमस डिश है। पापा के एक फ्रेंड थे विजयवाड़ा के, तो बनाया करते थे रसम, तो पापा ने उनसे सीखी है रसम बनाना। टमाटर की बनती है, अदरक लहसुन दाना भी सब कुछ दिखा देगा। ये भी सब आइटम है जिसमें अदरक लहसुन धना, ये तीनों को कूटना है अपने को, है ना? पहुंच गए?
तड़का के लिए जीरा थोड़ा सा, लाल मिर्ची क्या डाल सकते मिर्ची नहीं डालना, हरी मिर्ची ऊपर से डालना। थोड़ी सी हींग डालना, जाने दो जाने दो। इसमें थोड़ी सी हींग, इसमें मुनगा, ये भैया अदरक लहसुन और धना, थोड़ा सा स्वाद अनुसार चिकनी, संसील संसील अरे बोले मैंने कुछ नहीं जले, नहीं जले पास में दे रहा था। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धना और थोड़ी सी कलर आने के लिए ये चपाटा मिर्ची, लाल मिर्च, बस। अब गाजर और मूली, चार टुकड़ा मूली, आधी गाजर, ये टमाटर उबाल के पीस लिया है और ये जो उबले हुए टमाटर है उसमें वह पानी है, पानी भी अपन साथ में जो अलग से पानी डालते हैं उसकी जगह यही वाला पानी डालेंगे, उसमें क्या टमाटर का स्वाद रहेगा। इसी से धो लो इसको, ये पानी पूरा इसी से धो के मिट्टी भी धुल गई और ये लहसुन में पानी भी धुल गई। बता क्या बन रहा है, तो ये रसम बन रही है, रसम हो गया। इसको थोड़ी देर अच्छा उबल जाए, इसमें आखिर में धनिया पत्ती, नमक, स्वाद के अनुसार पापा ने डाल दिया है नमक। हमारी रसम में उबाल आ गया है, गर्मा गर्म रसम हमारी रेडी है। ये हमारी रसम बन के तैयार हो गई है, आप लोग भी घर में ट्राई करें, क्या है लॉकडाउन यही है, बनाओ और खाओ, यही मजा रह गया बस।